हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, अभी हो रहा है सुबह के 6:20। चलिए सीधी बात, नो बकवास, अपना व्लॉग शुरू करते हैं। गाइस, उठ गया हूँ मैं अभी। चलिए ब्रश कर लेते हैं, ब्रश करके वॉकिंग को जाते हैं। ओके, आज से गाइस मैंने मेरा टाइम टेबल बदल लिया है। कल ही मैंने सोच लिया था ये बार तो 100% करेंगे। ओके, अब मैं सुबह उठूँगा रोज़ 5 o'clock को। 5 o'clock को उठ के 5 o'clock को उठ के 5:30 तक फ्री हो जाऊँगा। ब्रश फ्रेश जो भी करना है वो सब कर हो जाऊँगा। मतलब 4:55 का अलार्म लगा दूँगा, 5 o'clock को उठ जाऊँगा। दो अलार्म लगाऊँगा, 4:55, 4:58 या 4:59, वैसा एक दो मिनट का गैप लेके लगाऊँगा। ओके, जाऊँगा, फ्री हो जाऊँगा 5:30 तक, और फिर 6:30 तक अपने काम कर लूँगा, जो भी काम करना है, एडिटिंग वगैरह वो सब, गेमिंग वीडियो की एडिटिंग वो सब कर लेंगे। ओके, और फिर वही नहाकर कॉलेज चला जाऊँगा, कॉलेज से दुकान, शाम को घर, और फिर मेरा रूटीन चालू हो जाएगा। रोज़ एक गेमिंग वीडियो बनाना, व्लॉग एडिट करना, और क्या काम आ रहते हैं रात तक देखते करना है सब कुछ। ओके, एडिटिंग में टाइम देना पड़ेगा गाइस हमको, एडिटिंग में टाइम देंगे तो व्यूज आएंगे थोड़े बहुत। ओके, और अब अफिलिएट का भी काम शाम को ही करना पड़ेगा। चलिए फिलहाल तो 6:21 हो रहा है, ब्रश कर लेते हैं और वॉकिंग को जाते हैं। ओके, लगता है रात को दबा के बारिश आई है गाइस, तो वॉकिंग भी शायद थोड़ा हल्लू करना पड़ेगा। पानी तो दिख रहा है नीचे बहुत। चलिए जाते हैं ब्रश करके, या फिर मैं सोच रहा हूँ अभी चले जाओ, थोड़ा ब्रश करने का टाइम बच जाएगा, वॉकिंग कर सकते हैं। मैं ब्रश आके कर लूँगा नहाते समय। ओके, ऐसे ही करते हैं। चलिए, सो गाइस, निकल चुका हूँ मैं घर से, चप्पल पे निकल गया डायरेक्टली। शूज़ पहनने की भी हिम्मत नहीं थी आज तो, फर्स्ट डे है ना गाइस। धीरे धीरे करेंगे हल्लू, उतना भी धीरे नहीं, थोड़ा सा धीरे। ओके, चलिए फिलहाल जैकेट भी निकालना पड़ेगा मेरा, पता नहीं कहाँ है। जितना सोचा था उससे तो थोड़ी ज़्यादा ही सर्दी है गाइस। जैकेट निकालना ही पड़ेगा मम्मी से, या फिर किधर है ढूंढना पड़ेगा घर पर, क्योंकि मैं कॉलेज जा रहा हूँ ना, जब भी देख रहा हूँ सर्दी तो बहुत रह रही है भाई। हाँ, सर्दी तो बहुत रह रही है। और आज क्या है गाइस, आज है 10th जुलाई। 15 दिन में एक बर्थडे पार्टी में भी जाना पड़ सकता है। किसकी बर्थडे पार्टी है आपको मालूम पड़ जाएगा। और अगर मैं गया तो मैं कार में जाऊंगा, खुद चलाकर, मोस्टली तो खुद चलाकर जाऊंगा गाइस, क्योंकि देखिए 20 को मैं परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दूंगा, मतलब टेस्ट देने चले जाऊंगा। 25th को बर्थडे है। ओके, मोस्ट प्रॉब्लली 25th को बर्थडे में जिसकी भी जाना है, आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा किसकी बर्थडे है, मैं खुद कार चला कर जाऊंगा। या अगर नहीं बोल दिया घर पर तो अपनी ओला पे जाएंगे, ओला तो जब तक आ ही जाएगी। मुझे स्ट्रांग फीलिंग आ रही है गाइस, कल शाम से ये वीक में आ जाएगी हमारी ओला S1 Pro। और हाँ गाइस, एक और एक, अब ओला S2 Pro निकलने वाली है, गूगल पे मैंने न्यूज़ पढ़ा था। थिंकिंग को ओला CEO थिंकिंग टू लॉन्च ओला S2 Pro। अब जैसे मेरे ओला S1 Pro 170 किलोमीटर की रेंज देती है हाईएस्ट, वो 210 किलोमीटर देगी, 40 किलोमीटर और बढ़कर। चलिए फिलहाल तो वॉकिंग कर लेते हैं। आज भी मैं लाना भूल गया अपने ईयरपॉड्स नॉइस के। अब गाइस, क्योंकि मैंने अपना टाइम टेबल बना लिया है, रात में हम लोग
10:30 तक काम करेंगे गाइस, 10:30 तक काम करेंगे। ओके क्या काम है आपको रोज़ मालूम पड़ जाएगा, रोज़ अलग अलग काम करूँगा मैं, पर करूँगा। गूगल एड्स भी लगाएंगे गाइस, एक दो दिन में गूगल एड्स भी लगा देंगे। ओके वीडियो सेलेक्ट करना है मुझे मेरे ब्लॉग चैनल पे से, कौन किस पे लगाना है एड्स। सौरभ भाई अभी मतलब लॉकडाउन के टाइम वो शाम में व्लॉग स्टार्ट करते थे अराउंड 4-5 बजे और रात रात भर अपने काम के साथ व्लॉग करते थे। तो मैं भी ट्राई करूँगा गाइस, पर एक ही बात है गाइस, नेक्स्ट डे कॉलेज रहेगी मेरी, वो एक मेन बात है, वो कैसे मैनेज कर पाऊँगा मैं। अगर मुझे सौरभ भाई का बहुत पहले से मालूम पड़ता था ना गाइस, लॉकडाउन से पहले, तो मज़ा आ जाती थी। क्योंकि मुझे तो लॉकडाउन के बाद मतलब लॉकडाउन के एंडिंग में मालूम पड़ा सौरभ भैया का, वो भी मेरे बहन के थ्रू। वो सौरभ जोशी आर्ट्स चैनल देखते थे, मैंने भी देखा सौरभ जोशी आर्ट्स, एक दो वीडियो पसंद आई मुझे, फिर मुझे व्लॉग्स के बारे में मालूम पड़ा, सौरभ जोशी व्लॉग्स के बारे में, वो भी कोविड के एंडिंग में और लॉकडाउन के एंडिंग में। अगर थोड़ा स्टार्टिंग में वैसे मालूम पड़ जाता था, स्टार्टिंग में या मिडिल में, तो मैं जब भी व्लॉगिंग स्टार्ट कर देती था गाइस, मेरा रूटीन बना लेता था कोविड के लॉकडाउन के टाइम में, रात को काम करना, और तब मैं गेमिंग चैनल भी बना लेता था, क्योंकि मुझे गेमिंग का तो मालूम था। जब गेमिंग चैनल भी बना लेता था और थोड़ा रूटीन मेरा फिक्स हो जाता था, मतलब सर नींद की कोई टेंशन नहीं रहती थी, शाम को व्लॉग स्टार्ट करना या फिर सुबह स्टार्ट कर देना और रात भर पर काम करना। अब देखिए मेरा ऐसा है, मेरी नींद पूरी नहीं हुई तो मेरा सर दुखता है बहुत ज़्यादा और इतना सीवियर दुखता है। तो सौरभ भैया तो दिन में मुश्किल से 2 या 3 घंटे सोते हैं पर भी उनका सर नहीं दुखता है, क्योंकि उनको तो आदत हो गई है। अब अगर मैं भी मेरा रूटीन वैसा बना लेता था तो कॉलेज की इसकी टेंशन ही नहीं रहती थी। चलिए अब क्या कर सकते हैं, जैसे जिसकी सोच, जैसे जिसकी किस्मत। अब 6:34 हो रहा है, 6:45-6:50 तक वॉकिंग करेंगे। कर सकते थे गाइस 7:00-7:10 तक कर सकते थे, पर मैंने गीज़र नहीं खोला है, भूल गया मैं, क्या करूँगा कल से मैं उठते के गीज़र खोल दूँगा, फिर 5:30-5:40 को बंद कर दूँगा। ओके और फिर जब वॉकिंग करने का टाइम रहेगा वॉकिंग करने आ जाऊँगा, थोड़ा ज़्यादा वॉकिंग कर सकते हैं हम लोग। अब मैं 6:45-6:50 तक ही कर पाऊँगा वॉकिंग आज, तो घर जाके गीज़र भी खोलना है ना इसीलिए। चलिए फिलहाल तो वॉकिंग कर लेते हैं, बहुत देर से बोल रहा हूँ मैं, कहीं इस पर पूरा ब्लॉग ना बन जाए। ओके चलिए मिलता हूँ आपसे डायरेक्टली 7:45 को। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो गाइस 7:42 हो रहा है, रेडी हो गया हूँ, जा रहा हूँ मैं। ओके चलिए आज भी नया टी शर्ट पहना है। ओके बॉस 7:42 ना 8:25 ना पहुँच जाएंगे आराम से। ओके स्मार्ट बॉय। Two thousand years later. So guys, फिलहाल अब टाइम हो रहा है शाम के 5:20। आज कपड़े चेंज नहीं किया मैंने दुकान आकर, मैं तो रोज़ कपड़े चेंज करता हूँ, आज मम्मी कपड़े भेजना भूल गई। चलिए कोई बात नहीं, 5:20 हो रहा है, 6:00 या 6:30 तक निकलेंगे हम लोग घर के लिए, एक दो काम करते हुए जाना है, मैं तो थोड़े बिस्किट्स देना है, क्योंकि गाइस अब मैं रोज़ तो ब्रेकफास्ट कर नहीं रहा हूँ। 7:30 सुबह भूख ही नहीं लग रही है, 11:00 से 11:30 ब्रेक रहता है कॉलेज में, और दो तीन दिन से मैं कैंटीन का खा रहा हूँ, अब कैंटीन का नहीं खाएंगे। सस्ता है गाइस कैंटीन का, 50 रुपीज़ में पेट भर के मंचूरिया दे रहे हैं वो लोग, और 30 रुपीज़ में 5 समोसे, रोज़ रोज़ कहीं को खर्चा करना, इसलिए मैं थोड़े बिस्किट के पैकेट ले जाऊँगा, 10-10 रुपये की खरीद लूँगा कौन से भी, देखते हैं, एक दिन पोए, एक दिन उपमा, एक दिन बिस्किट,
वैसा करके ले जाएंगे। ओके इससे 6 o'clock या 6:30 तक निकल जाएंगे। डी मार्ट है, डी मार्ट से ले लेंगे। ओके डी मार्ट में वैरायटी भी मिल जाएगी। चलिए लेटर दैट सेम इवनिंग। सो इस फिलहाल अब टाइम हो रहा है रात के 9:20। मतलब गाइस जब 6 o'clock या 6:30 निकलने का था दुकान से, मैं नहीं निकल पाया। मैंने बोला था ना गाइस कल के ब्लॉक में इलेक्ट्रिशियन आया है, वो काम कराना है, उसका सामान लेने जाना पड़ा था मुझे, तो उसमें इतना टाइम लग गया मुझे। मतलब 1.5 घंटा उधर ही निकल गया। 6:30 कुछ लेने गया था मैं सामान, अराउंड 8:15 या 8:20 वापस आया दुकान पर, इतना टाइम लग गया। फिर दुकान पर 5 मिनट बैठा और निकल गया। अगर मैं ऑलरेडी ख़राब है फिलहाल 9:20 हो रहा है, चेंज कर लिया है मैंने। अगर गैस 6:30 निकल जाती था तो घर पर आके अपना काम कर लेता था, गेमिंग वीडियो बना लेता था, एडिट करके शेड्यूल भी कर लेता था, पर अब नहीं कर सकते क्योंकि अगर अब मैं गेमिंग वीडियो बनाऊँगा तो 10 बज जाएगी। कब ब्लॉग कब एडिट करूँगा मैं, गेमिंग वीडियो कब एडिट करूँगा। आज ही नया रूटीन स्टार्ट करना था, आज से फर्स्ट डे पोपट हो गया। चलिए अब कोई बात नहीं, कल ही कर सकते जो भी करना है। ओके फिलहाल तो मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ क्योंकि मुझे एडिटिंग करके शेड्यूल करना है। ओके देखने हुआ तो एडिटिंग कल सुबह कर लूँगा, मैं सुबह उठ के पोस्ट कर लूँगा क्योंकि मुझे दबा के नींद आ रही है। चलो बस होप आपको एक ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो उसे लाइक करना एंड चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।